Hi, मेरे तो चैनल अगेन। I hope आप लोगों ने अपनी कैश फ्लो की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर ली है आर शेड्यूल हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इश्यू ऑफ नंबर नहीं है ये पूरे दस से बारह नंबर का चैप्टर है ये मैं आपको बता दूंगा फ्री फंड के मार्क्स है हमारी फ्री फंड के मार्क्स है ठीक है जी लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भैया जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारी डिस्कशन यही होने वाली है और जितने भी नए बच्चे हैं उनको मैं भैया देखो पूरा शेड्यूल तुम्हारा सेट हो रखा है छह मार्च तक तुम्हारा कोर्स पूरा मेरे को रिवाइज करवाना है और उसके बाद यहां पर रुकेंगे नहीं 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 भैया मंजिल है 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 मार्च तक 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 की का गेट मुझे रोज सपने में आता है। वहां तक जब तक पहुंचाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा ठीक तो मेरे साथ छोड़ना नहीं है आपने मेरा साथ में आपको बता देता हूं यह चीज ठीक है तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है इश्यू ऑफ डिवेंचर आप लोगों के लिए पूरे नोट तैयार है पूरे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन तैयार है वीडियो खत्म होते ही आपने इसकी प्रैक्टिस करने बैठ जाना है ठीक है तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यार किस की गेम क्या होती है पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा एक्सेट्रा ठीक, ठीक है लेकिन होते हैं? जो है, एक दे रही है कि भैया मैंने इस बंदे से पैसे उधार पे ले रखे हैं जो मैं उसको हर साल इतना इंटरेस्ट दूंगी और इतने टाइम बाद उसका पैसा वापसी कर दूंगी दिस इज बस सिंपल सी बात है जिसमें उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है रिटर्न एक्नोलॉज

ठीक है अच्छा इस एंट्री में क्या होता है आपका इस एंट्री में कुछ भी नहीं है ठीक है सिर्फ ये एंट्री पास करनी और इसी को हम जो है अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसी को हम हमारी अपनी बैलेंस शीट में दिखाते हैं सिर्फ ये एंट्री देखो बैंक अकाउंट एसेट है बढ़ रहा है डेबिट हो रहा है बैंक लोन आपकी लाइबिलिटी है बढ़ रही है तो क्रेडिट हो रही है ठीक है अच्छा मैं इसी का अगर बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन देखूँ फर्स्ट मैथड के अकॉर्डिंग तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका जो बैलेंस शीट रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखता है बैलेंस शीट आपको फॉर्मेट पता ही है उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटी ठीक है शेयर होल्डर्स फंड नॉन करंट लाइबिलिटी ये सारी सब हेडिंग है हम चैप्टर करेंगे एनालिसिस वाला टेंशन नहीं लेना उसमें सारी हेडिंग सब हेडिंग करवाऊंगा आपको ठीक है तीन से चार नंबर का क्वेश्चन आ ही रहा है इतने सैंपल पेपर देखे सब में भरा हुआ है वो तो उसमें सबसे पहला कॉम्पोनेट हो गया लॉन्ग टर्म बोर्विंग लॉन्ग टर्म बॉर्विंग के आगे नोट नंबर वन फिर उसकी अमाउंट ये बैंक लोन की अमाउंट है ये किसकी अमाउंट है ये बैंक लोन की अमाउंट है ये डिवेंचर्स की अमाउंट नहीं है फिर इसका बाइफर्केशन आप नोट्स में अकाउंट में दिखाते हो कि भैया लॉन्ग टर्म बॉर्विंग्स में है क्या लॉन्ग टर्म बॉर्विंग्स में है आपका लोन फ्रॉम डैश बैंक अगर बैंक का नाम दिया हुआ तो डैश बैंक आ जाएगा अगर वो एफ जो भी होगा ठीक है अगर नहीं दिया तो सीधा बैंक लोन आ जाएगा और यहां पर भी आपके बैंक लोन की ही अमाउंट आने वाली है और नीचे बस आपने ब्रैकेट में लिखना है सिक्योर्ड बाज सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज मैं आपको बता दूं ठीक है अगर इसके बिना आपका एक नंबर कटेगा ये लिख के ले लो ठीक है क्योंकि आपने एंट्री तो दिखाई नहीं बस ब्रैकेट में लिख दिया सो दैट जो भी हमारी बैलेंस शीट रीड करे उसे समझ आ जाए कि हाँ भाई इसने डिचर्स रखा रखें अगर यही मैं अपने दूसरे मेथड की तरफ चलू जिसमें हम प्रॉपर हमारे डिबेंचर्स की भी एंट्री करते हैं जो हमने बैंक को दिए तो उसमें एक एंट्री तो आपकी वही हो जाती है बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन ठीक है उसके अलावा आपकी जो दूसरी एंट्री है वो ये हो जाती है डेवेंचर सस्पेंस सस्पेंस टू टू डैश डैश परसेंट परसेंट ठीक है इसमें डेवेंचर सस्पेंस इज नथिंग बट अ टेम्परेरी अकाउंट क्योंकि हम आप डेबिट में डालने को कुछ भी नहीं था ना कोई एसेट है ना कोई कैश है तो इसलिए हमने कौन सा अकाउंट ओपन कर दिया डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट ठीक है जिसको हम बैलेंस शीट में कहा दिखाते हैं ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है तो बैलेंस शीट में, में आप देखो, कोई भी फर्क नहीं है यहाँ पर सेम आपका fund, उसका पहला और फिर आपका बैंक लोन के अमाउंट किसकी अमाउंट बैंक लोन उसके बाद लॉन्ग टर्म बॉर्विंग लोन फ्रॉम डैश बैंक अगेन वही वाला सीन लेकिन इस बार ब्रैकेट में नहीं लिखा क्योंकि हमने एंट्री पास करी है डिवेंचर डैश परसेंट डवेंचर जिसमें डेवेंचर्स की अमाउंट आती है बैंक

सेकंड मेथड से कर दो ठीक है क्योंकि एक एक्स्ट्रा एंट्री तो होगी लेकिन रिस्क तो नहीं लेंगे ना हम भैया मार्क्स जाएंगे ये वो एक्सेट्रा, तो ये आपका होता है इश्यू ऑफ डिमेंचर्स एज अ को सिक्योरिटी अब वो चलते हैं हमारे सेकंड मेथड की तरफ विच इज़ इश्यू ऑफ स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश कौन सा इश्यू ऑफ डिचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश अच्छा इश्यू ऑफ फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश में क्या कहानी होती है इसमें हम या तो कोई एसेट ले रहे हैं या किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं और उसको हम मोड ऑफ पेमेंट डिवेंचर्स भी दे रहे हैं डिबेंचर्स भी बोला मैंने सिर्फ डिवेंचर्स नहीं क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन है वो डिवेंचर्स भी वाला भी आ सकता है ठीक है तो हाँ एक चीज मैं पिछले वाले में आपको दोबारा बता दूं सॉरी मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि अगर उसने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दे दिया कि हमने डिबेंचर्स या फिर

इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एज पर मॉडर्न रूल्स टू वेंडर्स अभी उसको पेमेंट नहीं करी है अभी उसको पेमेंट नहीं करी है ये बात याद रखिएगा अभी हमने सिर्फ उसको ड्यू करा है उसके बाद सेकंड एंट्री में हम उसको जो है पेमेंट करते हैं हम उसको सेकंड एंट्री में जो है पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री क्या हो जाती है यहां पर ध्यान से देखिएगा यहां पर ध्यान से देखना ठीक है अगर हम उसको पेमेंट कर रहे हैं ये रहा आपका डस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डेवेंचर्स वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डवेंचर्स अगर आप पार पे कर रहे हो जितने का डेवेंचर है उतने में ही दे रहे हो तो वेंडस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डवेंचर सेकंड होता है इशू एट प्रीमियम प्रीमियमेंडस अकाउंट डेबिट टू डैश परसेंट डवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व और तीसरा होता है क्योंकि हमें पता है डेवेंचर हम डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं देयर इज नो लिमिट ऑन डिस्काउंट ये चीज मैं आपको बता दूं कोई लिमिट नहीं होती है आपके डिस्काउंट पे जितना मर्जी दे सकते हैं तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वेंडर्स अकाउंट डेबिट जितनी परचेज कंसिड्रेशन है अच्छा एक बात याद रखना जितने से वेंडर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ था उतने से ही डेबिट होगा तभी तो उसका अकाउंट क्लियर होगा ना टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अच्छा इसको डिस्काउंट भी बोल सकते हो लॉस भी बोल सकते हो टू डैश परसेंट डवेंचर ये आप तब एंट्री करते हो जब आप डिवेंचर्स इशू एट डिस्काउंट करते हो अब इसका क्वेश्चन भी देखेंगे हम ठीक है अच्छा ये बात याद रखना आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने का वर्किंग नोट करना पड़ता है आपको डिवेंचर्स निकालने का वर्किंग नोट करना पड़ता है अगर क्वेश्चन में एमसीक्यू में आ जाता है अभी नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलते हैं तो ये फॉर्मुला आपने लिखना है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ डिबेंचर्स इशू प्राइस में या तो हंड्रेड होगा एट पार या प्रीमियम होगा तो प्लस होगा अगर डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा अकॉर्डिंगली आपको करना है ठीक है लेकिन अगर जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में पूरा परचेस कंसिड्रेशन नहीं लेते हैं जितनी अमाउंट हम सिर्फ डिवेंचर्स से पे कर रहे हैं वो न्यूमरेटर में लेते हैं बोलते हैं उसको परचेस कंसिड्रेशन ही है लेकिन परचेस कंसिडरेशन पेबल थ्रू डिवेंचर्स लिखता हूं मैं क्लियरली अगर बोलूं फॉर्मुले में तो ये होना चाहिए ठीक है क्योंकि कुछ हम जो है बिल पेबल एक्सेप्ट करके दे देते हैं कुछ कैश या बैंक में भी दे देते दे हैं दे दे दे, तो उसके थोड़ा ना हम डिवेंचर्स निकालेंगे ठीक है तो ये बात हमेशा याद रखिएगा यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कई बच्चे स्किप कर देते हैं अच्छा यही अगर आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हो तो बिजनेस खरीदने में आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं ठीक है बिजनेस खरीदने में आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं इफ दी परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन टू यू इफ परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन टू यू तो उसमें आप क्या करते हो आपके पास सन्ड्री एसेट्स होंगे डेबिट टू सन्डरी लाइबिलिटीज क्रेडिट टू वेंडर अकाउंट यह आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ये क्या आ जाएगी आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ठीक है ऑटोमेटिकली आ जाएगी लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको परचेस कंसिडरेशन गिवन है ठीक है तो आप डालोगे संडी एसेट्स अकाउंट डेबिट सन्ंडी लाइबिलिटीज डेबिट और वेंडर्स अकाउंट डेबिट ये दे रखा है आपको ये दे रखा है आपको तो आपका ना बैलेंसिंग फिगर अगर एसेट में आ रहा है तो उसमें हम लिख देंगे गुडविल अकाउंट ठीक है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो वो एक एक्स्ट्रा एसेट होगा हिडन एसेट होगा जो कि गुडविल होता है जिसको आप परचेस गुडविल भी बोलते हो ठीक है तो गुडविल अकाउंट आ जाएगा अगर एसेट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है सिमिलरली अगर लाइबिलिटी साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो आप उसको कैपिटल रिजर्व कर देते हो अच्छा एमसीक्यू बन जाता है कई बार इसमें से क्या बन जाता है इसमें से अगर आपके नेट एसेट्स एसेट माइनस लाइबिलिटी को नेट एसेट्स बोलते हैं अगर आपके नेट एसेट्स आर मोर देन योर परचेस कंसिडरेशन तो क्या आता है आता है कैपिटल रिजर्व क्या आता है कैपिटल रिजर्व सिमिलरली अगर आपके जो नेट एसेट्स है वो आपके लेस देन है से तो क्या आ जाता है गुडविल आ जाता है क्या आ जाता है गुडविल आ जाता है यह चीज कभी भूलना मत ठीक है जी और पेमेंट की एंट्री वही होगी जो अभी हमने नीचे डिस्कस करी है तो ये होता है आपका इशू ऑफ डिवेंचर एज फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश अब चलते हैं हमारे अगले कंसेप्ट की तरफ विच इज इशू ऑफ डेवेंचर्स विध टर्म्स ऑफ रिडम्शन इशू ऑफ डिवेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्शन टोटल छह केसेस हैं और ये केसेस मतलब अगर इतिहास में अकाउंट्स के सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन देखा गया है कोई तो तो वो ये है इशू ऑफ डिवेंचर्स विध टर्म्स ऑफ रिडम्शन मतलब कितने सालों का कोई भी पेपर उठा लो जिस जिसमें इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ चैप्टर आया है उसमें आपको एक क्वेश्चन एक नंबर में हो तीन नंबर में हो छे नंबर में हो मिलेगा ही मिलेगा हो भैया छह नंबर को जिसको मिल जाता है ना जिसके पेपर में छे नंबर का आ जाता है बिलीव मी ये छह नंबर यू ये पकड़ लिया उसने ये एकदम सनी दियोल वाला हाथ एकदम टाइट करके भैया फिर वो नहीं छोड़ सकता ये नंबर क्योंकि फ्री फंड के नंबर है भैया दो एंट्री पर केस तीन या चार केस आते हैं छः नंबर अंदर पांच मिनट के अंदर ये टाइम सेविंग क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसको ठीक है तो इसमें क्या होता है आपका अगर मैं सबसे पहला केस देखूं इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब भी आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो आपने बिफोर हैंड ही डिसाइड कर लिया है कि भैया कितने के डिबेंचर्स आप बाद में रिडीम करोगे क्या उसको रिडीम एट पार करोगे या रिडीम एट प्रीमियम करोगे रिडम्पन एट डिस्काउंट नहीं होता रिडम्शन का मतलब बता दूँ जिनको नहीं पता रीपेमेंट होता है क्या होता है रीपेमेंट होता है पैसा वापसी करना तो या तो वो पूरा पैसा वापसी करोगे जितना उठाया था ठीक है जी फेस वैल्यू फेस वैल्यू ठीक है वो नहीं इशू नहीं कई बार इशू एट डिस्काउंट होता है बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है सर हमने उठाया तो कम है अगर इशू एट डिस्काउंट है सौ गडवेंचर है हमने उनसे लिए नब्बे ही है लेकिन अगर हम एट पार बोल रहे हैं तो वापस नब्बे नहीं करेंगे नहीं एट पार का मतलब है वी ऑलवेज कंपेयर विद फेस वैल्यू एक बात याद रखना इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी परसेंटेज अप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा फेस वैल्यू पर लगेगी वो भले ही डिस्काउंट की परसेंटेज हो वो भले ही प्रीमियम ऑन रिडमशन की परसेंटेज हो वो भले ही इंटरेस्ट की परसेंटेज हो या वो भले ही आपके प्रीमियम ऑन रिडम्शन की परसेंटेज हो ठीक है जी सिक्योरिटीज प्रीमियम की परसेंटेज हो परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे लगती है तो अगर केस नंबर वन में यहां पर डिस्कस करूं ये है इशू एट पार रिडम्शन एट पार सिंपल सी एंट्री है इशू एट पार एंड रिडम्शन एट पार ठीक है अब इसमें क्या होता है इशू एट पार एंड रिडम्शन एट पार में सिंपल uh, सी एंट्री है सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहां पर लिखा नहीं हुआ लेकिन मैं यहां पर आपको बोल देता हूं जब भी आप लमसम के थ्रू पैसा मंगवा रहे हो लमसम के थ्रू पैसा मंगवा रहे हो तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना है जस्ट लाइक योर शेयर जस्ट लाइक योर शेयर इसमें ज्यादा सिमिलर कंसेप्ट आपके शेयर जैसा फिर दूसरी एंट्री होती है आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डैश परसेंट डेवेंचर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डैश परसेंट परसेंटेंचर जितने के डिवेंचर आपने इशू एट पार है, है भी एट पार है easiest of all है ऑफ ऑल केस तो एक्सपेक्ट मत करना पेपर में आएगा सीधी बात बोलता हूं झूठ नहीं बोलता झूठे फासले नहीं देता ठीक है केस नंबर टू की तरफ चलते हैं हमारा ठीक है केस नंबर टू में क्या है आपका इशू एट पार और सॉरी इशू एट डिस्काउंट रिडमशन एट पार इशू एट डिस्काउंट रिडम्शन एट पार तो इसमें आपका हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अगेन एंड अलॉटमेंट लमसम वाले केसेस में आता है ज्यादातर वैसे भी आ सकता है वो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका भी टेंशन मत लेना तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डेवेंचर डेबिट टू डैश परसेंट डिबेंचर जैसे कि वो बोल रहा है कि सौ का डिबेंचर है आप उसको नब्बे में दे रहे हो वापस सौ ही करोगे तो ये हो गया इशू एट डिस्काउंट रिडम्शन एट पार तो इसमें बैंक में कितना आ जाएगा नाइन्टी बैंक में कितना आ जाएगा नाइन्टी ठीक है जी ये नाइन्टी है ये बता दूं ये ट्वेंटी की तरह लग रहा होगा आपको ये नाइन्टी है उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नाइन्टी डिस्काउंट हो गया आपका लॉस ये दस का डेबिट हो गया देन उसके बाद डैश परसेंट वेंचर कितना हो गया आपका हंड्रेड डैश परसेंट वेंचर कितना हो गया हंड्रेड और डिस्काउंट का नेचर क्या होता है नॉमिनल नेचर है आपका लॉस है तो इसीलिए डेबिट हो रहा है और इसको उसी वक्त राइट ऑफ भी करना होता है राइट ऑफ की एंट्री भी होगी ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा ठीक है चलो यहीं पर बता देता तो हूं बाद में कहीं भूल गया तो फिर बच्चों के कमेंट आते हैं चलो आ जाओ तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं अच्छा इस एक और बात डिस्काउंट को आप लॉस ऑन इशू भी बोल सकते हैं डिस्काउंट को आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स भी बोल सकते हैं तो इसको राइट ऑफ एज पर सी बी एस सी गाइडलाइन राइट ऑफ का मतलब होता है बुक से हटाना एज पर सीबीएससी गाइडलाइन पहली प्रेफरेंस होती है आपकी ये राइट ऑफ लिख देता हूं ऊपर मैं पहली प्रेफरेंस होती है एसपीआर से लेना अगर एसपीआर का बैलेंस है तो एसपीआर से ले लो अगर नहीं है तो अपने पीएनएल से ले लो इसको लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मेरी जगह नहीं है इसलिए मैंने पीएनएल लिखा है सिर्फ टू आपका डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स ठीक है अगर डिस्काउंट ऊपर अकाउंट ओपन है तो नीचे डिस्काउंट से ही क्लोज करोगे अगर लॉस ऊपर है तो नीचे लॉस से ही क्लोज करोगे दस का है अब डिपेंड करता है कि कौन सी कितनी कैसी अमाउंट होगी अगर एसपीआर का बैलेंस वो आपको दे देता है पंद्रह बचा हुआ है तो पूरा दस वहीं से आ जाएगा अगर वो बोलता है पांच बचा हुआ तो बाकी का पांच पी से लेंगे ऐसा होता है सिर्फ ये दो ही आएंगे आपके टेंशन मत लेना सीबीएसई की गाइडलाइंस में आ रखा है ठीक है उसके बाद हमारा जो तीसरा केस होता है वो होता है इशू ऑफ डवेंचर्स एट प्रीमियम रिडमशन एट पार इशू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम रिडमशन एट पार सिंपल एंट्री है सौ का डवेंचर एक सौ दस में दे रहे हो सौ का डिवेंचर एक सौ दस में दे रहे हो पैसे वापसी सौ ही करोगे रिडम्शन एट पार का मतलब होता है पैसे वापसी सौ ही करोगे तो इसमें पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू तो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक सौ दस एक सौ दस देन उसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक सौ दस उसके बाद टू डैश परसेंट डिवेंचर ये हो जाएगा आपका सौ और सिक्योरिटीज प्रीमियम दस सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सेक्शन फिफ्टी टू सब सेक्शन टू में उसके पांच यूजेस लिखे हुए वो भी थ्योरी के साथ कवर करूंगा ठीक है तो ये होता है आपका इशू एट प्रीमियम रिडम्शन एट पार अब चलते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस की तरफ विच इज वेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार बट रिडीम्ड एट प्रीमियम अब ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग केस है मतलब ये क्या बोल रहा है आपको सौ का डवेंचर है दे सौ में ही रहे हो यहां लिख देता हूं इशू यहां लिख देता हूं रिडम्पशन वापसी एक सौ दस करोगे वापसी एक सौ दस करोगे ठीक है तो इस वाले में पहली एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सौ सौ ही आएगा कितना आएगा सौ सौ ही आएगा क्योंकि पैसा तो सौ ही आ रहा है ले सौ हो दे ज़्यादा रहे हो ये लॉस है आपका उसके बाद होता है डेवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट यहां पर आ जाएगा सौ ठीक है उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट यहां पर आ जाएगा दस टू डैश परसेंट डेवेंचर सौ टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन दस ठीक है जी तो एक बात याद रखना मैं क्या करता हूं मेरा एक सिंपल सा है बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर अकाउंट क्या ये वो एक्सेट्रा तो मैं पहले ना सिर्फ इशू की एंट्री करता हूं रिडम्पशन की एंट्री नहीं करता मैं पहले क्या करता हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सौ डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट सौ टू डैश परसेंट डिवेंचर सौ फिर एक अकाउंट यहां डाल देता हूं लॉस ऑन प्रीमियम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और एक क्रेडिट में डाल देता हूं बराबर हो जाता है ठीक है ये इजी रहता है इससे क्या है कंसंट्रेटेड रहते हैं और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं ठीक है बाकी अगेन आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है आई मे बी रॉन्ग ठीक है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट लॉस ऑन इश्यू और डवेंचर डेबिट टू डैशेंट है टू प्रीमियम ऑन ऑनडेडन कंपनी एक्ट में लिखा गया जब आपको पता चल गया अंडर प्रूडेंस कंसेप्ट ये भी आ सकता है कौन सा प्रिंसिपल के अंडर हम ऐसी एंट्री करते हैं क्योंकि ये लॉस तो बाद में होना है तो हमने अभी क्यों बुक कर लिया प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म बोलते हैं इसको ठीक है तो इस कंसेप्ट के अंदर आपको जब पहले ही पता चल गया आपका लॉस होने वाला तो आप अभी बुक करोगे और इस लॉस को भी राइट ऑफ वैसे ही करोगे जैसे अभी हमने ऊपर करा पहला एस पी आर डेबिट ठीक है अगर वो नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल डेबिट टू लॉस टू लॉस ठीक है तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया है मूविंग ऑन टू केस नंबर फाइव जिसमें इशू एट डिस्काउंट है रिडम्पशन एट प्रीमियम है इशू एट डिस्काउंट है रिडम्पशन एट प्रीमियम है भैया डबल लॉस पहले आ भी कम रहा है और जा भी ज्यादा रहा है तो सौ का डेवेंचर इशू आप दे रहे हो नब्बे में और रिडीम भी आप करोगे 105 में रिडीम भी आप किस में करोगे 105 में डबल लॉस हो रहा है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है हमारा पहली एंट्री वही हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नब्बे नब्बे देन उसके बाद डबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट नब्बे अभी मैं उसका लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट यहां पर ब्रैकेट में लिख लेता हूं दस का लॉस टू डैश परसेंट डवेंचर सौ डैश परसेंट वेंचर सौ अब मैं दोनों अकाउंट अपने जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के हैं वो ऐड कर लूंगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट में डाल दिया पांच ठीक है एक सौ पांच वापिस कर रहे थे एक सौ दस वापिस कर रहे थे आई गेस एक सौ दस वापिस कर रहे थे तो यहां पर दस और यहां पर लॉस ऑन इशू में एड हो जाएगा दस ठीक है तो टोटल लॉस हो गया मेरा 20 का टोटल लॉस हो गया मेरा 20 का तो अगेन आई विल रिपीट डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट नब्बे डिस्काउंट ऑन इशू सॉरी डिस्काउंट नहीं इसने दो अकाउंट खोले हुए यहां पर तो डिस्काउंट की अलग एंट्री आएगी यहां पर और आपके लॉस ऑन इशू की अलग आएगी तो दस यहां पर दस यहां पर आपकी मर्जी है आप चाहे तो डिस्काउंट और लॉस दो अलग अकाउंट ओपन कर सकते हो और जैसा मैंने बताया डिस्काउंट को लॉस भी बोलते हैं तो आप कंबाइंड भी खोल सकते हो अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है और वो पूछता है टोटल लॉस बताओ तो वो कंबाइंड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है डिस्काउंट प्लस लॉस ऑन इशू ये बात याद रखिएगा ठीक है एंड मूविंग ऑन टू योर लास्ट केस जो कि आ जाता है इशू एट प्रीमियम रिडम्शन एट प्रीमियम इशू एट प्रीमियम रिडम्शन एट प्रीमियम जब भी इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्शन एट प्रीमियम होता है ठीक है ये एक मिनट नेक्स्ट पेज पे आते हैं हाँ इशू एट प्रीमियम एंड रिडम्शन एट प्रीमियम होता है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है कंपनी थोड़ा सा आ, वो रहती है कि यार आ, लिया भी ज़्यादा और देंगे भी ज़्यादा तो सौ का एक लिया और जब रिडीम करने की बारी आई तो हम एक वापसी करेंगे ठीक है एक थोड़ा डिफरेंस के लिए मैंने ज्यादा अमाउंट ले लिया तो इसमें आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट सॉरी एक सौ दस एक सौ दस उसके बाद डवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट एक सौ दस टू डैश परसेंट डवेंचर सौ टू एस पी आर दस अब फिर मैं दो अकाउंट अपने खोल दूंगा एक डेबिट में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स दस देन उसके बाद प्रीमियम ऑन डिडमशन ऑफ डिवेंचर्स दस इजी मैं बाद में मेरी मेरी प्रैक्टिस जली हुई है इसमें गलती के चांसेस मेरे को ऐसा लगता कम होते हैं ठीक है तो ये आपका फिक्स केस होता है उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था आ, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स तो वैसे कैपिटल रिजर्व को हटा दो यहाँ से टेक्निकली कैपिटल रिजर्व भी आता है लेकिन सीबीएसई ने हटा रखा है हमारे यहाँ से सीबीएसई ने हमारे यहाँ से हटा रखा है एसपीआर या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एसपीआर या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से आपको राइट ऑफ आप करना है कई बार आपका जो है लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाने को आ जाता भैया लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाओ डिस्काउंट का अकाउंट बनाओ ठीक है तो उस पर्टिकुलर में आप लॉस ऑन इशू का अकाउंट बनाओगे डेबिट क्रेडिट पहले लॉस डेबिट हुआ क्यों हुआ टू प्रीमियम की वजह से होगा या फिर डिस्काउंट हुआ तो टू डैश परसेंट एवेंचर्स की वजह से होगा फिर उसको राइट ऑफ करके दिखा दोगे बस यहाँ पर बाय एस अगर हुआ है उससे तो या फिर बाय पी बस कदम इतने सा है दो नंबर में आया था फ्री फंड के दो नंबर कई बार तीन नंबर में आया था फ्री फंड के तीन नंबर ठीक है थीके? तो ये होता है आपका लॉस ऑन इशू का अकाउंट अच्छा कई बार इंटरेस्ट का भी अकाउंट आ जाता है ठीक है वैसे तो इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं आती है लेकिन आ गई इन केस तो इंटरेस्ट की एंट्री भी हम इसमें कवर कर लेते हैं ठीक है अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट की एंट्री में आपको कुछ भी नहीं करना सबसे पहले तो इंटरेस्ट ड्यू करना है इंटरेस्ट जो है आपने ड्यू करना है आपका खर्चा है कंपनी का खर्चा है तो एक्सपेंस हो गया डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू डिवेंचर होल्डर इसमें टीडीएस का कंसेप्ट कटा हुआ है सीबीएससी की गाइडलाइंस पढ़ लेना ठीक है टू डिवेंचर होल्डर तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर उसके बाद आप उसको पेमेंट कर देते हो डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक ठीक है फिर उसके बाद आपको इसको ट्रांसफर भी करना होता है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तीसरी एंट्री हो जाती है ये कई बच्चे स्किप कर देते हैं और मार्क्स कट जाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट क्योंकि खर्चा है नॉमिनल है पीएनएल में जाएगा ही जाएगा ठीक है अच्छा अगर इसका अकाउंट बनाने को आ जाता है तो कुछ भी नहीं है इट इज जस्ट अ केक वॉक तो यहां पर आ जाएगा आपका टू डवेंचर होल्डर डवेंचर होल्डर को पे करना था वो पे कर दिया उसके बाद यहां पर आ जाएगा बाय पीएनएल बस खतम कहानी खत्म ठीक है और हमेशा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कहां दिया होता है ये जो ऐसे लिखा होता है ना सिक्स परसेंट डिवेंचर यह सिक्स परसेंट ही इसका इंटरेस्ट रेट होता है ये 6 ही इसका इंटरेस्ट रेट होता है ये बात आप याद रखना और ये हमेशा किस पे लगाते हैं ये हमेशा लगाते हैं फेस वैल्यू पे किस पे लगाते हैं फेस वैल्यू पे ये आपके इश्यू प्राइस पे नहीं लगाते हैं ये फेस वैल्यू पे लगाते हैं ठीक है तो इतनी सी कहानी होती है आपके डिवेंचर की जल्दी से चलते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ भैया बहुत सारे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं और ये प्रैक्टिस कर लोग तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा दस से बारह नंबर आज आप पक्के कर लोगे और जब तक पक्के नहीं करोगे तब तक सोना नहीं है ये बात याद रखना मेरी ठीक है तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की अगर हम बात करें सबसे पहले एमसीक्यू में थोड़े से एमसीक्यू में ज्यादा एमसीक्यू नहीं आते देखो मैं हमेशा क्वालिटी पे फोकस करता हूं ठीक है क्योंकि अभी हमारे पास जो है बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने हैं तो आपको छह सात ही एमसीक्यू दिखेंगे लेकिन वही रिपीटेड होते हैं आप कोई भी पेपर उठा लेना ऐसे ही आपको दिखते हैं तो अगर मैं पहली वाली बात करूं ठीक है अभी थ्योरी वाला स्किप कर देता हूं क्योंकि थ्योरी अभी हमने पढ़ी नहीं है अगर मैं एक ये वाला आ आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखूं ठीक है एमसीक्यू में तो उत्सव लिमिटेड डिसाइडेड तो टू रिडीम इट्स फोर थाउजेंड नाइन परसेंट डवेंचर्स ऑफ हंड्रेड ईच विच वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ एट परसेंट आठ परसेंट के डिस्काउंट पे उसने इशू करा था एंड वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंटेंट तो टोटल अठारह परसेंट का आपका जो है इसमें लॉस आ गया द अमाउंट ट्रांसफर्ट अच्छा ये तो डिवेंचर रिडम्शन रिजर्व वाला आ गया सॉरी इसको छोड़ देना इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ देना ठीक है इसको छोड़ देना या फिर मैं इसको ही थोड़ा सा चेंज कर देता हूं इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और मैं बोलता हूं टोटल लॉस ऑन इशू कितना हुआ टोटल लॉस ऑन इशू जो है वो कितना हुआ ठीक है तो अगर मैं बात करूं टोटल लॉस की ठीक है जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एडवेंचर रिडम्शन रिजर्व को छोड़ देना ये आपके सी में आएगा यहाँ नहीं आएगा टोटल लॉस टोटल लॉस कितना हुआ टोटल लॉस हुआ आपका आठ डिस्काउंट दस वो तो फोर थाउजेंड ये तो आपकी फेस वैल्यू होगी ठीक है इसपे मैं 18 परसेंट लगा दूंगा इसपे मैं आपका 18 परसेंट लगा दूंगा तो ज़ीरो जीरो जीरो एट फोर द थर्टी टू ऊपर थ्री कैरी फोर फाइव सिक्स सेवन बहत्तर हज़ार रुपयेगा सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ का आपका यहां पर लॉस आ गया सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ अच्छा आजकल एक एक अलग टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या आ रहा है वो ऐसे बोल देगा कि भैया इतने के डिवेंचर आए हैं आपने इतने डिस्काउंट पर इशू करे ये नहीं देगा या ये नहीं देगा डिस्काउंट नहीं देगा या प्रीमियम का परसेंटेज नहीं देगा वो आपसे मांगेगा निकालो और वो बोलेगा कि हमारे एफ से जो टोटल लॉस राइट ऑफ हुआ है वो सेवेंटी टू थाउजेंड हुआ है कितना हुआ है सेवेंटी टू थाउजेंड हुआ है जिसमें से डिस्काउंट आठ परसेंट पे है तो बताओ प्रीमियम और रिडमशन का परसेंटेज क्या होगा तो आपने क्या करना है अगर डिस्काउंट आठ परसेंट का है ठीक है जी तो फोर थाउजेंड इंटू हंड्रेड कितना हो गया फोर लैख उसका आठ परसेंट होता है बत्तीस हज़ार रुपये कितना होता है बत्तीस हजार तो अगर ये टोटल लॉस है इसमें से डिस्काउंट का लॉस आप माइनस कर दोगे इसमें से आप डिस्काउंट का लॉस माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्शन का लॉस कितना है ठीक है और जैसे ही आपके पास प्रीमियम ऑन रिडम्शन का लॉस आया बस उसकी परसेंटेज अगर आपने निकालनी है तो फोर्टी थाउजेंड अपॉन फोर लैख के डेवेंचर्स हैं इंटू हंड्रेड हो जाएगा तो ये आ गया आपका टेन परसेंट ये आ गया आपका टेन परसेंट तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं लेकिन अगर आप पीडीएफ में ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो इसको स्किप कर देना ठीक है आपके ये आपके ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेना आपको यही देखने को मिलेंगे थ्योरी में डिस्कस करूंगा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है चलो अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लें जल्दी से आ जाओ तो सेवंथ क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपका जो है आ, दो पार्ट्स दे रखे हैं। सबसे पहले एक वाला करते हैं वही लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ ईएक्स लिमिटेड लैंड बिल्डिंग 60 लाख एट 84। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला ऑफ 60 एट 84। हमें लेना देना नहीं ऑफ क्या था हमें लेना देना नहीं है ऑफ क्या था हमें यह लेना देना है कि कितने में उठाया कितने में उठाया क्योंकि हमारी बुक्स में हम उठा रहे हैं हमारी बुक्स में तो जितने का उठाया उतनी वैल्यू आएगी ना सिमिलरली मशीनरी 40 लाख ,00 की थी 36 सिक्स ,00 लैख पे उठाई और उसकी पेमेंट परचेज कंसिडरेशन क्या थी एक करोड़ दस लाख एक करोड़ दस लाख पेमेंट वॉज मेड बाई एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ ई लिमिटेड और ट्वेंटी लाख ,00 का बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और बाकी के आपने डिवेंचर्स जो है इशू कर दिए अगर मैं इस पे आऊँ आपके आंसर्स पे तो इसका आंसर जो है सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट देख सकते हो आप देख सकते हो जितनी आपकी वो वाली वैल्यू थी एट वाली वो लेनी है कि हमने कितने में उठाया फोर फूर को गोली मारो तो एटी फोर लैख प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट थर्टी सिक्स लैख ठीक है टू ई एक्स लिमिटेड वेंडर नहीं ई एक्स लिमिटेड जब नाम दिया हो तो लेना नहीं तो नंबर कट जाता है एक लाख दस हज़ार हमें दिया हुआ था परचेस कंसिडरेशन और हमने अच्छे से पढ़ा है जब भी परचेस कंसिडरेशन हो तो एक एक्स्ट्रा अकाउंट आएगा या तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो मैंने टोटल करा डेबिट में बन रहा था आपका एक करोड़ बीस लाख रुपये और इधर बन रहा है एक करोड़ दस लाख तो दस लाख के आपका क्या आ गया कैपिटल रिजर्व और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है और सेकंड एंट्री जो पेमेंट की है ई एक्स लिमिटेड डेबिट जितने से क्रेडिट हुआ है उतने से डेबिट तभी उसका अकाउंट जो है वो राइट ऑफ होगा ये बात याद रखना तो ई एक्स लिमिटेड डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट बीस लाख रुपए उसने बोल दिया बिल ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करिए जो तीन महीने बाद पे करेंगे तो उसको बिल पेबल बोलते हैं ठीक है थीके? उसके बाद उसने बोला कि आपने डेवेंचर इशू करें हैं ट्वेंटी परसेंट प्रीमियम पे हंड्रेड का डेवेंचर है ट्वेंटी परसेंट अब यहां पर मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है देखो मैंने पूरी परचेज कंसिड्रेशन नहीं डाली जितनी डेवेंचर से दे रहा हूं एक करोड़ दस लाख में से बीस लाख इससे पे करा तो बचे नब्बे लाख तो नब्बे लाख बहुत सौ बीस आपके पिछहत्तर एमसीक्यू में भी आपसे कई बार पूछ लेता है ठीक है तो इसलिए पिछहत्तर हजार इंटू सो पिचत्तर हजार इंटू सौ पिचहत्तर लाख रुपए और पिछहत्तर हजार इंटू बीस पंद्रह लाख रुपए ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा जो एंट्री होता है अगर यही हमारा सेकंड पार्ट की तरफ चले वो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा था हमें ठीक है तो सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है जी लिमिटेड इशूड टू लैक एट परसेंट डवेंचर ऑफ हंड्रेड ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ सिक्स परसेंट रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ टेन और ये इंस्टॉलमेंट वाला हमने जो केसेस पढ़े थे वो लमसम वाले थे अब इंस्टॉलमेंट में कैसे आया जानबूझ के करा लूँ ध्यान से देखना ताकि आपको इंस्टॉलमेंट वाले का भी आइडिया लग जाए तो इसमें क्या होता है कि सो का डवेंचर था दे वो नाइन्टी फोर में रहा ठीक है कितने में दे रहा है नाइन्टी फोर विच इज हंड्रेड माइनस सिक्स सिक्स परसेंट का डिस्काउंट है रिडम्पशन पे अभी हमने ध्यान नहीं देना अगर वो फिफ्टी इस पर मंगवा रहा है ठीक है तो ये कितना बच गया आपका 44 और एक बात याद रखना जैसे हमें शेयर्स में पढ़ा था वैसे ही इसमें है कि भैया जब भी आपको नहीं दिया वो डिस्काउंट या प्रीमियम किस पे है तो हम मानते हैं हमेशा अलॉटमेंट को तो, मतलब अलॉटमेंट 50 माइनस सिक्स है अलॉटमेंट 50 माइनस सिक्स है अब इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे ठीक है तो ये आपका पूरा सीन है सबसे पहली एंट्री क्या हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं इंस्टॉलमेंट मेथड है तो डेवेंचर बैंक अकाउंट डेबिट टू टूवेंचर एप्लीकेशन एक लाख एक लाख ये एक सॉरी एक करोड़ एक करोड़ दो करोड़ इंटू पचास दो लाख दो लाख इंटू पचास दो लाख इंटू पचास दो लाख डिवेंचर इशू करे थे ना उसने ठीक है तो दो लाख इंटू पचास ठीक है तो ये आपका कितना आ गया एक करोड़ एक करोड़ डेबिट देन देवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू एट परसेंट डेवेंचर एक करोड़ एक करोड़ पहले पैसा आया फिर डेवेंचर इशू करें जैसा इशू शेयर्स में होता है वैसा ही इसमें सीक्वेंस रहता है देन उसके बाद डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अब इसमें कैसे अमाउंट आई इसमें आई है आपकी टू लैख इंटू फोर्टी जैसे हमने पीछे डिसाइड करा था 2 लाख इंटू फोर्टी ये हो गया 88 लाख 28 टू एट परसेंट डवेंचर पूरा एक करोड़ उसके बाद लॉस ऑन ऑफ इंटू दो लाख बारह लाख था साथ में जो प्रीमियम का जो था बीस लाख वो भी इसी में ऐड हो गया मैं हमेशा कंबाइंड अकाउंट करता हूं मैं अलग अलग नहीं खोलता टाइम भी तो बचाना ना भाई ठीक है तो डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट एटी एट लैख लॉस ऑन इश्यू डिवेंचर डेबिट बारह एट परसेंट डवेंचर्स एक करोड़ देन मैंने ऐड करा इसमें बीस लाख एंड टू प्रीमियम ऑन रिडमशन बीस लाख तो ये आपकी पूरी एंट्री बन गई देन उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आ गया तो इंस्टॉलमेंट मेथड में हम कुछ इस तरीके से करते हैं हमारा प्रीमियम ऑन रिडमशन का के तो आई होप आपको समझ में आ गया अब आपने कुछ भी नहीं करना बस इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना भैया अच्छे से बहुत अच्छे से और आपका बेड़ा पार हो जाएगा डिवेंचर्स में 10 से 12 नंबर पक्के अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड हैव फन